बच्चों, आज हम आप लोगों को सरल लोलक के बारे में बताने जा रहे हैं। देखो, ये एक सरल लोलक है। सरल लोलक का क्या मतलब है कि इसमें एक गोला होता है, इसको हम गोलक भी कहते हैं। इस गोलक को एक डोरी से बांध दिया और यहाँ आधार से, एक डेढ़ आधार से लटका दिया। तो डोरी और गोलक ये दोनों मिल करके एक सरल लोलक बनता है। अब ये दोलन करेगा। दोलन करने के लिए अब हम इसको थोड़ा खींच देते हैं और छोड़ देते हैं। अब ये दोलन करने लगा। अब देखो, एक दोलन काल कितना होता है वो आप समझें कि ये सरल लोलक का ये गोलक जो है वो हम एक किनारे ले जाएंगे, फिर अपने माध्य स्थिति में आएगा, फिर दूसरी ओर जाता है, फिर यहाँ आ जाता है। ये एक दोलन हुआ। एक दोलन का मतलब यहाँ से एक चौथाई, फिर अब आधा दोलन हो गया, फिर ये तीन चौथाई हो गया और ये एक दोलन हो गया। अभी इसको देखो, दोलन करा रहे हैं, ये दोलन कर रहा है। अभी देखिए, हम इसकी डोरी थोड़ा छोटी कर देते हैं। अब देखिए, पहले से ये तेज चलने लगा, यानी दोलन काल इसका कम हो गया। और जब ये अधिक लंबाई का था, इस समय दोलन काल ज्यादा था। तो जो घड़ी इस प्रकार के दोलक से नियंत्रित होती है, तो उसकी लंबाई बढ़ा दो तो घड़ी सुस्त हो जाएगी, लंबाई कम कर दो तो घड़ी तेज। एक घड़ी हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए, ये भी सरल लोलक है। ये अब इसका जो है ये दोलन पर नियंत्रित है। इसकी लंबाई बढ़ाने से घड़ी सुस्त होगी और लंबाई कम करने से घड़ी तेज होगी।